भांजे भी हैं, धर्मपाल वर्मा जी के बेटे और समाज के बेटे भी हैं। बीज बैंक हो गया हो तो हमारा सारा ही हम राजनीति खुद करेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि से पर्दा हट हो जाए। और राजकुमार हमारा भाई छोटा भाई है, उसने कह भी दिया अब वो कर भी का, क्योंकि राजनीति में प्रवेश करेगा तो बैंकुट के अंदर वो प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वोट बैंक इनका सबसे ज्यादा है। ये भाइयों ये कहानी कह रहे थे ना अभी और भाई कुमार के बारे में, अरे जब से सृष्टि रखी है इतिहास कहाँ है? ये तो सदियों से हम अपने अधिकार से वंचित नहीं है, ये तो युग युग से है। जब आप लोगों को पता है ये कुमार भगत भी है, ईमानदार भी है, मेहनती भी है, बाकी हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने अधिकार से, क्योंकि जो भी गद्दार आए हैं आप लोगों को पता है जब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सौंपा था अरुदय सर क्या फरमाशु थे, उसने कहा अंग्रेजों ने देश से राज बन गया है, आप संविधान सौंप रहे हैं। आपको पूरा नहीं मिला एयर बी क्लास में, जो ऊपर के अफसर लग गए हैं उसमें आपको नाम मात्र का, और जो सरकारी छोटी नौकरी है जो पानी पैर की या मैच में कपड़ा मारने की या ड्राइवर की या किसी छोटे मोटे अफसर कर्मचारी की, उन नौकरियों में भी आपके साथ धोखाधड़ी। और जब उस 27% आरक्षण में एक जाट बिरादरी को इस बैकवर्ड समाज के अंदर शामिल किया जाने लग रहा था, तो उस टाइम पर सबसे पहले हमने 4 फरवरी 2014 को रोहतक के अंदर एक प्रदर्शन किया था कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाटों को बैकवर्ड समाज। अपनी जनमानस की कामों को करना कोई एहसान नहीं कर रहे, लेकिन हमने उनकी आदत बिगाड़ दी और उनको सर पे बिठा के रखते हैं और वो हमें चूते मारते हैं, बस ये दो चीज हमारे देश में चल रही है। मैं जननी हूं, मैं एक माता हूं, जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी मुझसे लंबे लंबे बच्चे, मैंने उनको जाते ही सबसे पहले एक बात कही कि मैं आपकी माता हूं, मां समान हूं, मुझसे कोई चीज छिपाना नहीं, और विद्या बड़ी मुश्किल से आप लोगों को मिल रही है और इसको आप लोग ग्रहण करना, और जो भी परेशानी हो मुझसे पूछना, वो हंसते थे पता जरा हमसे छोटी हाइट में भी छोटी और उम्र में भी छोटी, और कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी जननी हूँ, वो हंसते थे। और मैं आज आप लोगों को भी कह रही हूँ कि मैं इस देश की जननी हूँ, एक माता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं हूँ। ना मुझे नेता बनना, ना मुझे कोई जो है बड़ा पद चाहिए, मेरी जनता के साथ मेरे बच्चों के साथ अगर धोखाधड़ी होगी, विश्वासघात होगी तो मां की आत्मा रोएगी। राजपाल जी क्या कार्यक्रम था जी ये? आज जो है समाजों में जाके, विभिन्न विभिन्न समाजों में जाके उसको जो है संगठित करना और उसको जो है जागरूक करना, ये हमारा आज का प्रोग्राम है सारे दिन का। आज हम अभी प्रजापत समाज में खड़े हुए और यहाँ पर हमारे साथ प्रताप जी हैं जो कि रिटायर्ड इंजीनियर हैं, विदेशों में काम कर चुके हैं। आज इन्होंने अपनी मर्जी से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, जो कि अपनी पार्टी है हमारी, पिछड़े और दलित समाज, छत्तीस बिरादरी, गरीब जनता की, उसमें काम करने की आस्था जताई है। हम सब जो है धन्यवाद करते हैं प्रताप जी जैसे, अगर हमारे साथ सारे ही पिछड़े दलित समाज के लग जाएं तो हम 75 पार जो वो कह रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनका जो है आशीर्वाद हमें मिल गया है कि 75 वालों अब की बार अपनी सरकार बना लो, तो दलित पिछड़ा 75% मिलके और 36 गरीब बिरादरी गरीब जनता बनके इस बार पक्के, चाहे हमें अपनी जान की चाहे किसी चीज़ की भी बाजी लगानी पड़े, इस बार सारे समाजों को एक करके, सारे पिछड़ा दलित समाज को एक करके अपना राज जरूर लेके आएंगे और हम 75 पार को करके दिखाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने जो फरसे वाला जब काम किया है उसके लिए ब्राह्मणों ने पानी रोहतक में उनका पुतला भी जलाया है, तो क्या क्या हो गया? देखिए
राजकुमार सैनी जी ने ब्राह्मण समाज को सबसे पहले टिकट दी, उनका मान सम्मान किया, और लेकिन ब्राह्मण समाज ने आस्था जताई बीजेपी में, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने उन्हीं का फरसा दिखा के सरेआम पूरी जनता के बीच में तेरी गर्दन काट दूंगा, बहुत ही निंदनीय ये शब्द है। ये जो हौसला अफजाई मनोहर लाल खट्टर जी ने 2016 में गुस्सा नहीं दिखाया जब एक बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा था, जब दुकानें फूकी जा रही थी पिछड़े वर्ग की दलित समाज की, तब ये गुस्सा हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन तब जब हमने उन्हें वोट देकर मोदी जी को हमने मजबूत किया, तब इनमें इतना घमंड आ गया कि वो अपने ही सांसदों की गर्दन काटने के लिए तैयार हो गए। तो हमें समझ लेना चाहिए वोटर्स को कि अब उनके घमंड को इतना ना बढ़ाएं, अपनी जो है अपनी ताकत को पहचानिएगा। और राजकुमार सैनी जी जो 5 सालों से उनकी सड़कों पर मुहिम चला रहे, उनकी लड़ाई लड़ रहे कि भाई 52 तो देने से तो दूर रहे आप लोग, आप लोगों ने हमारा 27 भी नहीं दिया, और 27 में से भी आप कहते हैं कि भाई नौकरियां नहीं है, अपनी नौकरियों का खुद इंतजाम करो, तो यानी वो 11% भी हमें देना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए अब हमारी लड़ाई है मनोहर लाल खट्टर जी से कि अगर हम आपको उठा सकते हैं तो हम आपको गिरा भी सकते हैं। आज LSP को ज्वाइन किया है, क्या कहना चाहोगे? भाई हमें बहुत खुशी हो रही है कि एक रेवोल्यूशनरी लीडर की रहनुमाई में हम अपने शोषित समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन देम एंड डू माय बेस्ट।